Hey guys, this is me Ankita and welcome back to my channel. I hope you people are doing great. So guys, मैंने अभी ये look shoot किया है, like this green look. इसका video आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा मेरे channel पे, but उससे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ about some of my empties, मतलब कुछ चीज़ें जो मैंने ख़त्म कर दी हैं. ये video मैं इसलिए करती हूँ ताकि in case आपको इनमें से कुछ लेना हो या पसंद आ जाए तो आप ले सकते हो. इसमें एक छोटा मिनी रिव्यू हो जाता है, और अगर कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं आई है और आप सोच रहे हो कि आपको लेना है तो मैं आपको अपना प्रस्पेक्टिव बता सकती हूँ कि मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. तो अब स्टार्ट करते हैं. मैं आपको दिखाती हूँ सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी सारी हैं. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं आपको दिखाती हूँ वो चीज़ें जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, क्योंकि इसमें कुछ रिपीटेड चीज़ें भी हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ना स्टेपल होती है, जो इंसान कितने भी नए प्रोडक्ट्स आ जाए लेकिन उन्हें यूज़ करना बंद नहीं करता. ओके, तो सबसे पहले आपको वो चीज़ें दिखाती हूँ जो बिल्कुल नई है इसमें. तो सबसे पहले फर्स्ट इज़ दिस इज़ द मामा अर्थ टी ट्री शैम्पू, जो कि मैंने यूज़ किया फॉर डैंड्रफ एंड ऑल ऑफ इट, क्योंकि समर्स थे तो मैंने सोचा कि अच्छा रहता है ये. इट रियली क्लेंजेज योर स्किन, सॉरी, इट रियली क्लेंजेज योर हेयर रियली रियली नाइसली, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ किया. इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है, एंड वैसे ये काफ़ी अच्छा शैम्पू है. अगर आपको कोई ऐसा शैम्पू लेना हो जिसमें केमिकल्स ना हो और जो आपके बालों को अच्छे से क्लीन भी करे, फोम भी अच्छा खासा बनाता है, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन आउट. दिस इज़ अ रियली नाइस शैम्पू. इन कॉम्बिनेशन अगर आप यूज़ करोगे विथ टी ट्री मास्क तो आपको और अच्छा लगेगा ये. और सारी लिंक्स जो भी मैं प्रोडक्ट आपको बताऊंगी वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, मेक श्योर टू चेक दैट आउट. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, मामा अर्थ का शैम्पू, वेरी नाइस. इन केस आपको कोई और डिटेल चाहिए हो अबाउट द प्रोडक्ट जो कि मैं मिस आउट कर रही हूँ, ऐसे मैं आपको एक मोटा मोटा बता दूंगी कि अच्छा है कि बुरा है, कि लेना चाहिए कि नहीं. तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस. इट्स अ नाइस शैम्पू, बट ये खत्म हो गया अब, तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर सम अदर शैम्पू. और ये अभी नहीं, मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो गया इसको खत्म हुए, क्योंकि बहुत टाइम के एम्प्टीज कलेक्ट करने पड़ते हैं तब एक वीडियो बनता है. तो इसलिए दिस इज द फर्स्ट थिंग जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ. देन आई फिनिश्ड दिस पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइजर, नॉन ऑयली फ्रेश फील वाला, ये वाला जो छोटा सा पैक मुझे एक मिला था, दिस वॉज इन द पिंक बॉक्स ऑफ नायका, तो ये उसमें मुझे मिला था और मैंने ख़त्म कर दिया है. एंड आई हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड द टू बिग साइजेस, क्योंकि ये मैं भी लगाती हूँ और ये मेरी मदर भी लगाती हैं, एंड शी यूजेस विद द एसेंशियल ऑयल, मतलब वो एसेंशियल ऑयल को मिक्स करके लगाती हैं, द बेजिल एसेंशियल ऑयल फेस में रात को, और उनको ब्लेमिशेज में वो चीज़ काफ़ी हेल्प कर रही है. तो इसलिए आई यूज़ इट लाइक अ नॉर्मल मॉइस्चराइजर अंडर माई मेकअप, और अगर आउट ऑफ द शावर तो उस टाइप से मैं यूज करती हूँ. बट दिस इज अ रियली नाइस नॉन ऑयली काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर. यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस इफ यू विश टू. वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट इन द एम्प्टीज इज डेफिनेटली दिस. दिस इज माय सेकंड बॉटल ऑफ द वाव एप्पल साइडर विनेगर फेस वॉश, एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस. आई वुड डेफिनेटली रीपर्चेज दिस, बट थोड़े मेरे खत्म हो जाए क्योंकि मुझे और भी चीज़ें ट्राई करनी है, तो इसलिए अभी मैं इसको नहीं ले रही हूँ. बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फेस वॉश इफ़ यू रियली लुकिंग फॉर अ गुड फेस वॉश फॉर योर ऑयली स्किन और एक्ने प्रोन स्किन, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये. दिस स्पंज राइटर, मतलब इसके साथ ये जो सिलिकन वाला स्पंज मिलता है, स्पंज नहीं सॉरी ये ब्रश, दिस इज़ द बेस्ट थिंग, लाइक दिस इज़ दी बेस्ट थिंग फॉर योर फेस. मतलब ये उतना हार्ड भी नहीं है, इतना यू नो लाइक बहुत ज़्यादा नैरो टाइप का भी नहीं है, ब्रॉड ब्रॉड ब्रिसल्स हैं, एंड इट रियली क्लेंसेज योर फेस वेरी वेरी नाइसली. सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट. देन अगेन ये थोड़ा रिपीटेड हो जाएगा बिकॉज दिस इज़ अनियन हेयर मास्क. मैंने अभी हालांकि नया अनियन हेयर मास्क ऑर्डर नहीं किया है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन थिंग, अभी मैं नहीं कर रही हूँ. अभी मैंने टी ट्री वाला किया था क्योंकि समर्स है एंड आई रियली वॉन्ट माई स्कैल्प टू बी क्लीन, और टी ट्री बहुत अच्छे से क्लीन करता है इसलिए. हालांकि दिस इज़ ऑल फिनिश्ड अप और काफ़ी अच्छा है ये. अगर आपको लेना हो, मैंने इसका फुल रिव्यू किया है, आप लोगों का बहुत सारा प्यार भी मिला है उस वीडियो को, डेफिनेटली देख लीजिए अगर आपको लेना हो तो. पर मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है इन लाइक नॉर्मल मास्क के हिसाब से, या हेयर फॉल अगर आपको रोकनी है तो. अभी मैंने ट्रीटी वाला किया है क्योंकि समर है इसलिए. अब वन ऑफ माई फेवरेट मास्क, डेफिनेटली यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस. और मैं आपको बताती हूँ और क्या है, और मैंने एक और मास्क ख़त्म कर दिया है. दिस इज़ द इसका नाम क्या था, ओके, दिस इज़ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का कौन सा, ऑप्टी केयर करके एक मास्क आता है वो है, और एक्चुअली
ये आपको दिखाई नहीं देता क्योंकि इसकी स्लिप लिप सब मैंने निकाल दी थी, क्योंकि मैंने सोचा था मैं इसको यूज़ कर लूँगी अगर मुझे कुछ मिक्स करना हो या ऐसा, बट देन आई वॉज डूइंग एम्प्टीज तो मैं इसको उठा के ले आई. सो दिस इज़ द ऑप्टी केयर मास्क. दिस मेक्स योर हेयर सुपर डुपर सिल्की, सुपर डुपर सिल्की बना देते हैं आपके हेयर्स को. एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक यूज्ड मास्क इन ईयर 2020. मुझे ऐसा लगा तभी मैं इसको ख़त्म कर पाई, क्योंकि ऑनेस्टली ये मेरे पास बहुत टाइम से था. मैंने बहुत पहले एक वीडियो किया था अबाउट हेयर केयर, तब भी ये मास्क था मेरे पास, तो मैं यूज़ ही नहीं कर पा रही थी. ट्री ट्री अनियन इधर उधर सब यूज़ कर रही थी लेकिन इसको नहीं यूज़ कर रही थी. तो मैंने मेक श्योर किया था कि मैं 2020 में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगी, और मैंने इसको यूज़ किया. आई हैव यूज्ड इट इन एवरी फॉर्म, लाइक प्री शैम्पू के टाइम पे, पोस्ट शैम्पू के टाइम पे, मतलब एज अ कंडीशनर, एज अ मास्क, सब मैंने यूज़ कर डाला इसको. दिस इज़ वन ऑफ द मास्क जो कि आपको बहुत ही सिल्की हेयर्स देगा, बट दैट विल लास्ट फॉर अबाउट 2 to 2.5 days. तो उस हिसाब से आप ले सकते हो. इट्स अ रियली नाइस मास्क एंड स्मेल इज अमेजिंग. अगर आप ये लगाओगे डेफिनेटली आपके बालों से बहुत अच्छी स्मेल आएगी. लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे चलते फिरते कि मतलब क्या लगाया है बालों से, इतनी अच्छी स्मेल आती है इसमें. सो दैट वॉज वन. रिपीटेड स्टफ एलोवेरा जेल, वाओ एलोवेरा जेल ऑल टाइम फेवरेट. दिस इज़ अ रिपीटेड स्टफ, इसके बारे में मैं क्या बोलूँ. दिस इज़ द ओनली एलोवेरा जेल आई यूज़ अगर मेरे पास नेचुरल नहीं है तो, और मेरे पास नेचुरल अभी है ही नहीं क्योंकि मेरे यहाँ प्लांट लगा हुआ है लेकिन उसमें लीव्स ही नहीं आ रही है उसकी, मतलब वो जो आता है बड़ा बड़ा वो आ ही नहीं रहा है, तो अभी मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ. सो आई एम यूजिंग ओनली दिस. तो ये ख़त्म हो गया, मुझे ऑर्डर भी करना है. रिपीटेड स्टफ अगेन लिव ऑन, क्योंकि वो भी मैं बहुत यूज़ करती हूँ. मैं कोई भी सीरम यूज़ कर लूँ, लाइक मैंने अभी रिव्यू किया था अबाउट द अनियन हेयर सीरम फ्रॉम मामा अर्थ, और मैंने गार्नियर फ्रूटस का मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ. मैंने स्ट्रीक्स का ख़त्म कर दिया है, पर उसकी बॉटल फेंक गई है तो वो आप लोग को दिखा नहीं सकती. बट दिस इज़ लाइक द रिपीटेड थिंग, कुछ और होना हो ये होना ज़रूरी है. तो मैं डेफिनेटली इसको भी ऑर्डर करूँगी, बट अभी मैं थोड़ा प्रिकॉशन के हिसाब से चलने की कोशिश कर रही हूँ. हालाँकि जब मैं शॉपिंग की वो देखती हूँ तो मुझे बहुत मन होता है ये भी ऑर्डर कर दूँ, वो भी ऑर्डर कर दूँ. और अभी क्योंकि नया नया स्टार्ट हुआ है आफ्टर 2 months एंड मेरा बहुत मन होता है कि मैं ऑर्डर कर दूँ, तो मैं कुछ कुछ ऑर्डर कर भी रही हूँ. बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वन ऑफ द एसेंशियल थिंग. देन आई हैव फिनिश्ड दिस स्किन इल्यूमिनेटिंग सीरम. ये मैंने अभी अभी वीडियो में बताया था आपको, ये ख़त्म हो चुका है लेकिन मुझे इसको काटना है. मैं काट के भी निकालूंगी इसके अंदर का, तो ये मुझे करना है. वेरी नाइस सीरम, मैंने इसका भी एक रिव्यू किया है. जितने भी इसमें से चीज़ें मैंने रिव्यू करी हैं, आई थिंक ये और ये किया है मैंने, ये दो चीज़ें मैंने रिव्यू करी हैं, तो वो मैं आपको दिखा दूंगी. उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो देख लीजिएगा आप. दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट सीरम जो कि मैं यूज़ करती हूँ. देन अनदर थिंग दैट आई यूज़ इज़ दिस ट्री ट्री ऑयल, ग्रेट फॉर एक्ने. इफ़ यू हैव एक्ने, मिक्स लिटिल बिट ऑफ ट्री ट्री ऑयल विद एनी क्ले फेस मास्क, या फिर आप मॉइस्चराइजर में लगाइए, इट्स ग्रेट. ओके देन ओके व्हेन यू फिनिश अ मेकअप यू फील सो सैटिस्फाइड. और मैंने ये फिट मी फिनिश कर दिया है फाइनली, आई एम सो हैप्पी. तो ये फिट मी का एक फाउंडेशन मेरा ख़त्म हो गया है. ऑफकोर्स आप लोग को दिख रहा होगा कि अरे ये तो है पर ये नहीं निकलता है, मैं बहुत ट्राई कर चुकी हूँ. ये देखिए इसी तरह से निकलता है, पर लगाने के हिसाब से निकलता ही है, नहीं निकलता है, तो इसलिए अब मैं इसको नहीं यूज़ कर रही हूँ. सो दिस इज़ फिट मी फाउंडेशन जो कि मैंने ख़त्म कर दिया है. माई शेड इज 322 वॉर्म हनी, ट्रू टू माई कलर, मतलब यही कलर होता है वॉर्म हनी का. सो दिस इज वन थिंग. नेक्स्ट अप आई हैव फिनिश्ड दिस राइस वाटर क्लेंजिंग ऑयल, लाइट क्लेंजिंग ऑयल, एंड दिस वॉज इन द आई थिंक द वुमेन की एक किट आती है फेस शॉप में, उसमें मुझे मिला था ये. सो दिस इज दैट सैनिटाइजर, आई हैव फिनिश्ड दिस सैनिटाइजर. और ये भी एक्चुअली दिस इज़ नॉट द बेसिक सैनिटाइजर दैट यू आर सपोज टू यूज़ नाउ, क्योंकि इसमें एल्कोहल परसेंटेज थोड़ा कम है. बट ये सैनिटाइजर मैं यूज़ करती हूँ टू क्लीन अप लाइक डेस्क, लाइक ऐसे करके, और वो मुझे ख़त्म करना था क्योंकि इसकी एक्सपायरी निकलने वाली थी इसलिए. सो दिस इज़ द सैनिटाइजर, दिस इज़ फ्रॉम केयर मैट, ये मैं ऐसे ही ले आई होंगी शायद. तो दिस इज़ द सैनिटाइजर दैट आई फिनिश्ड. सो गाइस नेक्स्ट अप आई हैव फिनिश्ड दिस नायका का ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, ये आप देख सकते हो. तो ये ख़त्म हो गया. दिस इज़ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन सी, अगर आपको लगाना है तो कोई पैक में मिला के, या तो अपने ऑयल में मिला के, या इस टाइप से अगर आपको लगाना है. सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई फिनिश्ड. दिस इज़ बाय
orange. This is, sorry, by Nykaa, in the range variant orange. तो ये विटामिन सी के हिसाब से बहुत अच्छा है कोई पैक में मिलाने के लिए या उस हिसाब से, तो मैंने उसी हिसाब से लिया था. एंड दैट इज फिनिश्ड. नाउ दिस आई हैव फिनिश्ड दिस चिया सीड हाइड्रेटिंग फेशियल टोनर, छोटा सा पैक है. तो मैं एक्चुअली देखती हूँ कि किसके एक्सपायरी पास में है, क्या है, और इस हिसाब से मैं कुछ कॉम्बिनेशन मिलाती हूँ कि मुझे ये यूज़ करना चाहिए, और अगर वो चीज़ें मुझे सूट होती हैं तो मैं उन्हें यूज़ करती हूँ, अदरवाइज मैं खेल खिलवाड़ नहीं करती अपने फेस के साथ. तो दिस इज़ वन थिंग विच सूटेड रियली नाइसली, चिया सीड टोनर. चिया सीड इज़ रियली नाइस फॉर योर स्किन. तो मैंने ये टोनर यूज़ कर लिया है पूरा. Then I have used up this Innisfree Perfect 9 Repair Cream. ये मैंने पूरी ख़त्म कर दी है. ऐसे मैं बना लेती हूँ ऑफ 10 डेज 15 डेज का एक पूरा सेट कि ओके टोनर में ये और ये और वो, टोनर में ये, क्लेंजिंग में ये, क्रीम में ये, मॉइस्चराइजर में ये. तो इस हिसाब से मैं ख़त्म करती हूँ चीज़ें. सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई हैव फिनिश्ड. ग्रेट फॉर मॉइस्चराइजिंग योर स्किन. आई रियली लव्ड इट. पर अभी मैं खरीदूंगी नहीं इनमें से कुछ भी, लाइक द टोनर एंड द मॉइस्चराइजर, क्योंकि मेरे पास मॉइस्चराइजर भी बहुत सारे रखे हैं और मेरे पास टोनर भी अभी विटामिन सी का है, मामा अर्थ का, क्लेयर का है मेरे पास एक, और मेरा प्लम का टोनर है जो अभी चल रहा है बट वो ख़त्म होने वाला है, तो वो चीज़ है. देन आई हैव फिनिश्ड दिस एम कैफी नेकेड डिटॉक्स ग्रीन टी फेस सीरम. ये भी ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा बचा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, एक दो बार मैं इसको और यूज़ करती हूँ, बट एक्चुअली ये ना थोड़ा जम गया है क्योंकि बहुत टाइम से मैं इसको यूज़ नहीं कर रही थी. मैं यूज़ कर रही थी ये स्किन इल्यूमिनेटिंग का, तो इसलिए ये जम गया है थोड़ा, बट इट वॉज़ अ रियली नाइस सीरम. मैं इसको सुबह के टाइम पे लगाती थी या मैं शूट जब कर लेती थी और फेसेस क्लीन कर लेती थी तो मैं लगाती थी. इट वॉज़ अ रियली नाइस सीरम. लाइक ग्रीन टी है इसमें, इसमें आपको विटामिन सी मिलेगा. ग्रेट फॉर हैविंग अ रियली गुड एंड ग्लोइंग स्किन. तो ये सीरम मैं तब लगाती थी. सो गाइज दैट वॉज इट, वेरी वेरी क्विक, क्योंकि अगर मैं बहुत डिटेल में देती तो आप लोग बहुत बोर हो जाते. फिर भी अगर आप लोग को इनमें से कोई भी प्रोडक्ट का डिटेल रिव्यू चाहिए हो या आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना हो अबाउट वन ऑफ द प्रोडक्ट, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, पक्का आंसर करूंगी. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा. मैं आपसे मिलूंगी कल एक और नए वीडियो के साथ. टिल देन दिस इज मी अंकिता सिंह, गुड बाय, टाटा.